السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. آج کے اس دینی جلسہ کے صدر صاحب उपस्थित हाजरीन इकराम, नौजुबक साथियों, भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, रात बहुत बेशी हो चुका है। फजर की नमाज हम सबको पढ़ना है और मेरे बाद में एक और वक्ता है जो इंशाअल्लाह आप लोगों के भाषा में, बंगला भाषा में अच्छा बयान करेंगे। ये जो महीना चल रहा है, चांद के हिसाब से ये रजब का महीना है और साल में 12 महीने हैं। 12 महीनों में से 4 महीना है, खास करके अशहुरे हुरुम बड़ो इज्जत एहतराम वाला महीना। ईदेर पोरे ये मास आसे ज़ुलक़ादा, तार पोरे ज़िलहिज्जा और तार पोरे मुहर्रमुल हराम, ये 3 मास और ए मास के चलते से रजब मास, ये 4 मास बड़ो इज्जत एहतराम वाला महीना। कुराने ये 4 मास के अशहुरे हुरुम को इसे सम्मानितो मास, ये जे रजब मास और खास करिया आजकल ये तारीख, आजकल ये राय 27 रजबेर राय 26 तारीख शेष हुई से और मगरिब पोरता की 27 तारीख आरंभ हुई से किताबेर भीतरे बहुत उलमाए किराम लिखसन के अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकटा रूहानी जिस्मानी जे सफर जाके हमरा मेराज को ही ए मेराज सफर का ए रचरे से अजके राय वो हिसाब है पराज बड़ो बड़ो टाउन बड़ो बड़ो शहर है अजके राय के मेराजे रात हुआ शबे मेराज। किंतु मुहद्दिसी ने किराम लिख सुन एका निर्दिष्ट करा भलो ना तब वो कोयक्जन मुहद्दिसी ने किराम लिख से के मेराजेर के घटना मेराजेर के वाकया कोई घटना का वाकया था अजके राइट हुई से उन हिसाबे अमी अपना रा सामने मेराज की जिनिस और मेराज और सफरे भीतरे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोता गुना देख से और अल्लाह तरफ तक की गिफ्ट हदिया अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देवाबी से अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कोरार आगे और नबुवत पावार 11 बच्चोर बादे ए रजबेर मास रात्रि टाइम उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अनहार बारी
घूमे आसमान। हजरत जिब्राइल अलैहि सलात व सलाम अल्लाह तरफ तकी अशिया अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजा पर से और तार पर उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर से हरम के अंदर लेकर आए और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुक को सीना को चाक किया और आपका जो दिल है हार्ट उसको निकाल कर जमजम के पानी से उसकी सफाई किया और अल्लाह हिकमत और अल्लाह इलिम ईमान नूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को इन चीजों से भर गया। तारपोरे एक सवारी जानवर जाके बुर्राक हुआ जाए बुर्राक सवारी गधा जे सवारी आसे गधा जानवर उक्ता की घोड़ो और एक जानवर आसे खच्चर खच्चर जानवर से छोटा उस पर बिठा कर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस सीरिया मुल्क शाम वहां जो अल्लाह का घर है बैतुल मक़दिस मस्जिद अक्सा जिसको कहा जाता है वहां लेकर गए। वहां जाने के बाद तमाम अंबियाए किराम बाबा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबियाए किराम उस मस्जिद में जमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे और आपने उन तमाम अंबिया की इमामत की दो रकात नमाज पढ़ाया और वहां से फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने एक सीढ़ी भेजा और उसी सीढ़ी से आप आसमान पर पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान पर हजरत ईसा हजरत यहया अलैहिस्सलाम तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चार नंबर आसमान पे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पांच नंबर आसमान पे हजरत हारून अलैहिस्सलाम छह नंबर आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सात नंबर आसमान पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। बाद में वहां से आगे गए मैं मुख्तसर कर रहा हूं शॉर्ट बिल्कुल आगे गए सिदरतुल मुंतहा वहां पहुंचने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहीं पर रुक गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से फिर आगे गए। अल्लाह ताला से बातचीत हुई अल्लाह को देखा या नहीं देखा दोनों तरह की बात बातचीत हुई और जन्नत और जहन्नम का सैर किया जन्नत और जहन्नम को दिखलाया गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तीन का गिफ्ट दिया तीन हदिया दिया। एक तो नमाज 50 टाइम की नमाज दिया कि ए अमार नबी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना उम्मते जुन्ने 50 टाइम नमाज फरज करा वैसे और आपकी उम्मत 50 टाइम की नमाज पढ़े। एक का गिफ्ट। दूसरा नंबर गिफ्ट सूरतुल बकरा आखिरी आयत लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वहां से लेकर अंतिम तक तीन आयत है या आमना रसूल से लेकर अंतिम तक दो आयत अल्लाह ताला ने गिफ्ट में दिया। दूसरा नंबर गिफ्ट तीन नंबर गिफ्ट अल्लाह ताला ने जो दिया वो ये कि ए मोहम्मद तुमार उम्मती जे जे गुनाह करबो जे जे पाप करबो उनी यदि तौबा करे तो अमी उना समस्त गुनाह और पाप के माफ करिया दे समस्त गुनाह और पाप के अमी माफ करिया दे किंतु एकटा पाप आसे शिर्क
এই শিরিককে আমি কোনোদিন মাফ করব না। এই তিনটা গিফট আল্লাহ কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কো আল্লাহ নে দিয়া, আর ফির ওয়াহা সে লৌট কর আপ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মসজিদে আকসা মে বাইতুল মাকদিস মে আয়ে, ফির ওয়াহা সে আপ মক্কা ওয়াপস আয়ে, আর ইয়ে পুরা সফর সমস্ত ঘটনা পুরা ঘটনা ইতনা কম টাইম মে হুয়া কে মান লিজিয়ে এক মিনিট ভি নাহি লাগা। জব সুবহ কে টাইম মে আল্লাহ কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নে মক্কা বাসী কে সামনে ইয়ে ঘটনা বয়ান কিয়া, তো মক্কা কে লোগো নে কাহা মুহাম্মদ তুমি ঝুট, তুম ঝুট বলতে হো, ইতনা কম টাইম মে ইতনা লম্বা চওড়া যাত্রা অর সফর কাইসে হো সকতা হ্যায়। উন লোগো নে পরীক্ষা দিয়া কি আগর তুম সিরিয়া গয়ে থে, বাইতুল মকদিস গয়ে থে, বতাও ওয়াহা পর পিলার কিতনা হ্যায়, ওয়াহা কা কালার কিয়া হ্যায়, সমস্ত জিনিস প্রশ্ন করতে। আল্লাহ তাআলা নে আপনে প্যারে নবী কে সামনে বাইতুল মকদিস মসজিদে আকসা কো টিভি কে তরহ স্ক্রিন পর লাকার রখ দিয়া, আর আল্লাহ কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নে সব প্রশ্ন কা উত্তর দিয়া। হাদিস কে অন্দর আয়া জো বাত মুঝে খাস তৌর পে আপনার সামনে বয়ান করার আমার উদ্দেশ্য, আল্লাহ কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জব মিরাজ মে গয়ে তো কো এক জিনিস কো দেখা। নম্বর এক, জব আপ মিরাজ মে গয়ে তো ওয়াহা রাস্তে মে দেখা কে কুছ মানুষ হ্যায়, আর উসকা জো নখ হ্যায় নাখুন হ্যায় ও তাম্বা কা হ্যায় পিতল কা হ্যায়, আর ও আপনে নখ সে আপনে নাখুন সে আপনা সিনা কো নোচ রহা হ্যায়। আল্লাহ কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নে হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম সে প্রশ্ন কিয়া কে এ জিব্রাইল ये कौन लोग है, इसका क्या पाप और गुनाह है कि ये पीतल और तांबा के नोक से नाखून से अपना शरीर को नोच रहा है, दुनिया में इसने क्या पाप किया था। हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम ने बतलाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आदमी और ये सारा के सारा मानुष ये दुनिया में गीबत करते थे। गीबत का मतलब किसी की बुराई उसके गायबाने में। एक जो मानुष एक का काज कर से खराब काज कर से उनार सामने तो अमल हुआ ताकत ना शक्ति ना, और उसके गायबाने में दूसरे के पास आकर हम कर रहे हैं कि भाई फला आदमी बहुत खराब आदमी है, वो ऐसा ऐसा काम करता है, तो किसी के ऐब को किसी की बुराई को किसी के गलती को दूसरे के सामने बयान करना ये गীবত है। हदीस में आया अल गীবত अशद मिन ज़िना, गীবত कोराटा ज़िना जे पाप, ज़िना कछी बड़ो पाप गীবত कोरा, ज़िना करने से भी बड़ा पाप है गীবত करना। हम और आप दुकान में बैठते हैं, हम और आप पानी में बैठते हैं, दो चार आदमी जहां पर जमा हो जाते हैं, एक जगह पर जब दो चार आदमी जमा होते हैं तो किसी न किसी की शिकायत करना, किसी न किसी की गीबत करना, यह हमारा और आपका बिल्कुल निर्दिष्ट काम और ड्यूटी बन जाता है। আমার ভাই ও বুজুর্গ আর দোস্ত, খবরদার খবরদার, কোনদিন আমরা গীবত করতাম না। মানুষের গীবত করলে হাদিস কে কুরআন কে অন্দর আয়া কে তাজা আদমি কা মাংস খানা আর কিসি কা গীবত করনা, আপনে ভাই কে শরীর কা মাংস খানা আর কিসি কা গীবত করনা পাপ হোনে মে সমান সমান। कोई आदमी अपने भाई का मांसो नहीं खाएगा, जैसे अपने भाई के शरीर का मांसो खाने में घिन करता है, नफरत करता है और आदमी उससे बचता है, परहेज करता है,
इसी तरह से गীবত करने से, पीठ पीछे किसी की बुराई बयान करने से बचना चाहिए, घिन करना चाहिए, नफरत करना चाहिए। नंबर एक। कुछ और आगे गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ आदमी है को बहुत सारा मानुष, बहुत बेसी मानुष और उनार पेट पेट एकटा बड़ो रूमेर लाखा, बड़ो कमरा लाखा और उनार पेटेर भीतरे बड़ो बड़ो सांप आसे और पूरा सांप गुला बाहरे तक ही देखा देते से। पेट बहुत बड़ा है और पेट के अंदर बड़ा बड़ा सांप है, बाहर से वो पूरा सांप नजर आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, प्रश्न किया, ये कौन लोग हैं, इसका पेट इतना बड़ा बड़ा ओतो बड़ो बड़ो और पेटेर भीतरे ओतो बड़ो बड़ो सांप, तात पापटा किया से एकी पाप को से दुनिया। हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम ने फरमाया कि ये दुनिया में सूद खाता था, इंटरेस्ट लेता था और उसको खाता था। हमार भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आजकल कोई एकता बीमारी भीतरे सूदेर बीमारी का बहुत बेसी आम होते से पारी बारी बेटा मानुष का की बेसी हमार माँ बोई लेडीज महिला बोन तारा तारा गुटेर काज, बंधन बैंकेर काज का जे आरंभ होते से पराय प्रत्येक बारी एक काज का आम होते से सूदेर काज, गुटेर काज जे मानुष का एक दुनिया गुटेर काज करबो, सूदेर काज करबो, मरार पोरे अल्लाह ताला उसके पेट को बड़ा हॉल और रूम बनाएगा और उस पेट के अंदर सांप होगा और सांप उस पेट के अंदर चलेगा। दूर से देखने से मालूम हो जाएगा कि ये आदमी जब दुनिया में जीवित था ये सूद खाता था, ये बूट का काम करता था, ये इंटरेस्ट लेता देता था। जो आदमी इसको पसंद करता है वो सूद का काम करे। ये बनात मदरसा है। इस हिसाब से खास करके आजकल हमारी माँ बहन ये सूद के काम में इतना लिप्त हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे नौजवान साथियों, अगर सूद के काम को बंद नहीं करोगे, हदीस के अंदर आया कि जिस समाज में दुईटा पाप आम हो जाता है, दो गुनाह का काम बेसी लोग करते हैं, तो उस समाज में अल्लाह ताला बड़ो बड़ो बीमारी पैदा कर देता है। वो दो पाप और दो गुनाह का काम क्या है? नंबर एक जिना का काम और नंबर दो सूद का काम। जिस समाज में, जिस इलाके में और जिस गांव में, जिस बस्ती में लोग सूद खाने लगेंगे, जिना का काम करने लगेंगे, तो अल्लाह हिफाजत फरमाए कोरोना बीमारी आएगी, हार्ट अटैक की बीमारी आएगी, ब्लड प्रेशर की बीमारी आएगी, ब्रेन हेमरेज की बीमारी आएगी, पैरालिसिस की बीमारी, किडनी फेल होने की बीमारी, कैंसर की बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारी अल्लाह ताला उस समाज में पैदा कर देता है। इसलिए ये सूद से, बूट के काम से मुकम्मल परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे बढ़े तो देखा कि कुछ लोग हैं उसके माथा के ऊपर पत्थर फेंक कर मारा जाता है, माथा पर पत्थर फेंक के मारता है, माथा फट जाता है, रक्त निकलता है, चिल्लाता है, परेशान होता है, बड़ी तकलीफ और कष्ट होता है। बाद में फिर उसका माथा सही किया जाता है और अबार फरिश्ता उसके माथा पर पत्थर फेंक कर मारता है, बार बार इसी तरह से उसको शास्ति दिया जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, ये कौन आदमी है, ये कौन लोग है, इसने दुनिया में क्या पाप किया था कि इसको ये सजा दी जा रही है?
हजरत जिब्राइल अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया कि ये दुनिया में नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज छोड़ने वाला था। अल्लाह ने जब पैदा किया बालिग हुआ, मोमिन है, मोमिन जब बालिग हो जाए तो 5 टाइम की नमाज उसके ऊपर फर्ज है। यदि कोई आदमी नमाज को छोड़ेगा, कयामत के दिन मरने के बाद मोरा छोड़े, सब तक एक नंबर जे प्रश्न कराओ कि नमाजें की हालत से तुम नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे। अगर नमाज पढ़ते थे, नमाज का उत्तर अगर सही हो गया तो आगे का उत्तर भी आसान होगा और अल्लाह ताला जन्नत में इंशाअल्लाह दाखिल करेगा। आज यदि नमाज नाकाम, नमाजेर प्रश्नेर उत्तर कामयाब ना, हमारा नमाज तक यदि मजबूत ना, तो आगे का मरहला भी मुश्किल होगा और शायद जन्नत में जाना भी बड़ा कठिन होगा। नमाज जानबूझकर अगर कोई नमाज छोड़ देता है तो हदीस में आता है कि ईमान वाले और काफिर, मोमिन और काफिर के बीच में जो सीमा रेखा है, जो बाउंड्री है, वो क्या है? नमाज है। मोमिन नमाज पढ़ता है और काफिर नमाज नहीं पढ़ता है। मेरे नौजवान साथियों, आजकल खास करके मोबाइल ने आने के बाद रात दिन हम और आप मोबाइल देखते हैं, नेट में बिजी रहते हैं, नमाज का टाइम गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता है। मार्केट में गया, व्यवसाय कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, सर्विस करने वाला सर्विस करता है, नमाज का टाइम गुजर जाता है, हम और आप नमाज नहीं पढ़ते हैं। अगर हमने और आपने नमाज नहीं पढ़ा तो उसी तरह से सजा दी जाएगी जो सजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मिलते हुए देखा। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की पाबंदी करने वाला बनाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा और आगे गए, आगे जाने के बाद देखा कि कुछ लोग हैं और उसके आगे और पीछे, आगे का रास्ता और पीछे का रास्ता, पेशाब का रास्ता और पाखाना का रास्ता, दोनों रास्ते पर कपड़ा बंधा हुआ है, कपड़ा का छोटा छोटा टुकड़ा तेना वो बंधा हुआ है, और वो आदमी जैसे गोरू घास खाता है, गोरू के तरह वो जहन्नम का गाज दरख्त और वहां का पत्थर खा रहा, गंदा गंदा जिनिस खा रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम से प्रश्न किया, तारा की मानुष, ये लोग दुनिया में क्या पाप करते थे? हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम ने बताया कि ये दुनिया में माल वाला था, अल्लाह ने इनको माल दिया था, लेकिन ये अपने माल में अल्लाह का हक यानी ज़कात नहीं निकालता था, अल्लाह का हक ज़कात की शक्ल में नहीं निकालता था। जो आदमी ज़कात नहीं निकालेगा, मरने के बाद उसको इस तरह से सजा दी जाएगी। अल्लाह ने माल दिया, मेरे नौजवान साथियों, जितना भी माल मिलता है उसमें से अगर ज़कात फर्ज और वाजिब हो जाए तो 2.5% 2.5% ज़कात अल्लाह के रास्ते में निकाल दो, माल में बरकत होगी, कारोबार में, बिजनेस में तरक्की होगी, आगे बढ़ोगे। और अगर हमने और आपने ज़कात नहीं निकाला, अल्लाह का हक अदा नहीं किया, तो आहिस्ते आहिस्ते व्यवसाय कारोबार भी डाउन हो जाएगा और मरने के बाद अल्लाह न करे कि हमको और आपको सख्त सजा बर्दाश्त करना पड़े। थोड़ा और आगे गया, लास्ट और अंतिम बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग हैं, उनके सामने में दो हांडी रखा हुआ है, दो डेग रखा हुआ है, एक डेग में पका हुआ रांधा हुआ गोश्त है, मीट है, बढ़िया से उसको भूना मांसो बनाया है, बहुत बढ़िया मीट बना हुआ है, तैयार है, रेडी है खाने के लिए, और एक हांडी और डेग है, उसके अंदर पोचा गला हुआ सड़ा हुआ बदबू दुर्गंध आ रहा था, ऐसा मांसो रखा हुआ है।
अच्छा परेश मानसो है और खराब मानसो है। लोग परेश मानसो को नहीं खा रहा है और सड़ा हुआ पोचा हुआ जो माल है, गंदा जिनिस है, लोग उसको खा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये लोग दुनिया में क्या पाप करता था कि यहाँ अच्छा मीट नहीं खा रहा है और सड़ा हुआ गला हुआ मीट खा रहा है, इसका कारण क्या है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बताया कि असल में ये वो लोग हैं जिनके पास अपनी बीवी थी, शादी किया था, निकाह किया था, घर में बीवी थी, लेकिन अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी लेडीज के साथ, दूसरे महिला के साथ गलत संपर्क बनाता था और उसके साथ जिना का काम करता था। अल्लाह ताला ने मरने के बाद उन लोगों को ये शास्ति और ये सजा दिया। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के वास्ते अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के अंदर ये जो कई एक घटना और कई एक जमात को, कई एक ग्रुप के लोगों को देखा और अलग अलग शास्ति और अलग अलग पनिशमेंट के अंदर देखा, ये सारा का सारा पाप का काम है। जो दुनिया में ऐसा पाप का काम करेगा, मरने के बाद अल्लाह के यहाँ इस तरह से शास्ति मिलेगी। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम पाप और गुनाह के काम से बचा कर रखे। रात बड़ी हो चुकी है, 11:30 बज चुका है और हजरत मेरे पास बाद एक मौलाना भी है, आप लोग उठ भी रहे हैं, देख रहा हूँ। बस आखिरी एक बात 2-3 मिनट में कहकर और अपनी बात खत्म कर दूंगा। मेरे नौजवान साथियों, भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आसाम का हाल पिछले 5 साल में जो कुछ हुआ ये आप लोगों को मालूम है। वो तो 5 बच्चों आसामी की घटना वैसे की काम वैसे और मुसलमान कितना परेशान हुआ ये आप लोगों के सामने है। सामने इलेक्शन है और गणतांत्रिक देश में ये अवाम के पास एक बड़ी शक्ति और बड़ा पावर है। मैं आप लोगों को ये नहीं कहने आया हूं कि आप किसको वोट दीजिएगा, ये आपका अपना अधिकार है, आपका अपना हक है, जिसको वोट देना है दीजिएगा। किंतु वोट देने से पहले 2 बात जरूर ख्याल रखिएगा। नंबर 1, आपका वोट नष्ट और बर्बाद नहीं होना चाहिए। सब मिलकर ऐसे आदमी को वोट दीजिए, ऐसे आदमी को वोट दीजिए जो आदमी मुस्लिम कौम की भलाई को सोचता हो, इस्लाम और मुसलमानों के साथ जो दुश्मनी करता हो, इस्लाम और मुसलमानों से जो नफरत और घृणा करता हो, अल्लाह के वास्ते इस तरह के पार्टी को अपना वोट देकर और पापी और गुनहगार मत बनिएगा। और आज के बाद से लेकर 2 मई तक रिजल्ट आने तक अल्लाह के वास्ते नंबर 1 काम तो ये कीजिए कि 24 घंटा में जब आपको फुर्सत मिले, टाइम मिले, सलातुत तौबा की 2 रकात नमाज पढ़िए। जो सूरत आप मिला सकते हैं नफल की नियत से सलातुत तौबा 2 रकात नमाज पढ़िए और उसके बाद अल्लाह से रो रो कर दुआ कीजिए, अपने गुनाहों और अपने पाप की माफी मांगिए, तौबा कीजिए। अल्लाह ताला तौबा करने वाले, गुनाहों की माफी मांगने वाले को बहुत पसंद करे, बहुत बेसी पसंद करे। हदीसेर भीतरे ऐसे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइलेर एक घटना बयान करसन, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अभी 3-4 रोज पहले मैंने वो हदीस पढ़ाया कि एक जन पापी मानुष, बड़ो पापी, जब मरने का टाइम आया तो अपना लड़का बच्चा को बुलाया और कहा कि मेरे मरने का टाइम आ गया, मैं तो बड़ा पापी था, गुनाह का पाप का सारा काम मैं करता था, तुम्हारे खासे हमारे एक वसीयत खासे
যদি তুমি আমার ওয়াসিয়তের উপরে আমল করো তো আমার সারা প্রপার্টি সারা মাল দৌলতের মালিক তুমি, আর যদি তুমি আমার ওয়াসিয়তের উপরে আমল করো না তো আমার একটা টাকা এক নয়া পয়সা তোমার জন্য না। ওয়াসিয়ত হইল যে জব মে মর যাউঙ্গা আমার মরার পরে আমারে কবরও দিও না, কবর মে মত দেনা, বল্কি মুঝকো আগুন মে জলা দেনা, আগুন মে জলা দেনা, আর জলানে কে বাদ জো ছাক সালি হোগা রাত হোগা ও সমস্ত সালি আর রাত কা আধা আধা দো বাট করনা, দো হিসা করনা, এক হিসা পানি মে ডাল দেনা, সমন্দর মে দরিয়া মে ডাল দেনা, আর এক হিসা কো হওয়া বাতাস মে উড়া দেনা, জঙ্গল মে মৈদান মে উড় যায়গা, কহাঁ যায়গা কিসি কো কুছ পতা নাহি। মরনে কে বাদ উনকে লড়কে নে ওয়াসিয়ত কে মুতাবিক আপনে বাপ কো আগুন মে জলায়া, আর জো রাত হুয়া জো সালি হুয়া ও সব দো হিসা কিয়া, এক হিসা কো দরিয়া মে পানি মে ডালা, আর এক হিসা কো জঙ্গল মে হওয়া বাতাস মে উসকো উড়া দিয়া। अल्लाह मुताला ने उसको माटी से जंगल से हवा बताश से कहा कि ए माटी ओ जमीन तुम्हार ऊपर अमार उमुक बंदर जो तो टुक अंशो आसे समस्त अंशो के तुम ही जमा करो, पूरा अंशो को तुम जमा करो। पानी से कहा कि तुम्हार भीतरे अमार उमुक बंदर जो तो अंशो आसे पूरा के पूरा अंशो और पूरा हिस्सा जमा करो। जमा कराने के बाद अल्लाह ने उसको जिंदा किया, अल्लाह ने उस आदमी को जिंदा किया और कहा ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, तुमने आगुन में जलाने, पानी में बहाने और हवा बतास में उड़ाने की वसीयत तुमने क्यों किया था, क्या कारण है ये वसीयत करने का। उस बंदे ने कहा खशीतुका या रब्बी, ও আল্লাহ আমার ভিতরে ডর পয়দা হইছে, আমার ভিতরে ভয় পয়দা হইছে, মাইনে ইয়ে সমঝা কি আগর আল্লাহ হমকো শাস্তি দেগা, আগর আল্লাহ হামারে পাপ কি হমকো সজা দেগা তো দুনিয়া মে হমসে বড়া পাপী কোই নাহি হ্যায়, হমসে জ্যাদা শাস্তি আর সজা হমসে জ্যাদা কিসি কো পেনিশমেন্ট নাহি মিলেগা, হমসে জ্যাদা কিসি কো শাস্তি নাহি মিলেগি। ऐ अल्लाह आपका डर, आपका भय, आपका खौफ हमार दिले भीतरे पैदा हुई से, इसी कारण मैंने कहा था कि मुझको आगुन में जलाकर दलिया में डाल देना और हवा बताश में उड़ा देना, ऐ अल्लाह डर की वजह से कहा था। अल्लाह ताला ने कहा कि जिस बंदे के दिल में ये बंदर दिले भीतरे हमार खौफ होय वो, जे बंदर दिले भीतरे আমার ভয় আর ডর হইব, ওই বান্দাকে আমি কোনদিন জাহান্নাম দিব না, যাও মানে তোমারে লিয়ে জান্নাত কা ফয়সলা কিয়া, তুম যাও জান্নাত মে যাও। মেরে ভাইও রোজানা দো রাকাত সালাত তওবা পড়ো আর আপনে পাপ আর গুনাহো সে মাফি মাঙ্গো, আর ইসকে সাথ সাথ এক ছোটি সি দোয়া, ছোটি সি এক বারে ছোট দোয়া, আল্লাহুম্মা লা তুসাল্লিত আলাইনা মল্লা ইয়ারহামুনা, আল্লাহুম্মা লা তুসাল্লিত আলাইনা মল্লা ইয়ারহামুনা, এ আল্লাহ ওই রকম মানুষকে আপনি আমার মন্ত্রী মিনিস্টার এমএলএ বানাই বান্না, যো আদমি যো মানুষ হামারে উপর জুলুম করতা হো, জুলুম করনে ওয়ালে কো এ আল্লাহ, জুলুম করনে ওয়ালে কো আর হাম পর রহম না করনে ওয়ালে কো আমারা मंत्री भी मत बनाइए, हमारा एमएलए भी मत बनाइए, हमारा वजीर और मिनिस्टर भी मत बनाइए। जिसके दिल में रहम है, जिसके दिल में दया माया है, जो मुसलमानों के साथ नफरत न करता हो, मस्जिद मदरसा के साथ मोहब्बत करता हो, ऐ अल्लाह ऐसे लोगों को हमारा मंत्री मिनिस्टर बनाइए। ये दो काम सलातो तौबा दो रकात डेली और दूसरा काम अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मल्ला यरहमुना जो तो बेसी तक ही बेसी होते पारे, ए दुआ का हमरा पढ़ताम और 2 मई तक रेजल्ट आने तक ये दो काम करते रहिए,
आज के वाज का ये पैगाम और ये मैसेज मैं आप लोगों को देकर जा रहा हूँ। अल्लाह ताला जितनी बातें कही गई है तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाकिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।